सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ ऊना की जिलाधीश बनाकर भेजा, और जो उनका व्यवस्था परिवर्तन का जो एक सपना है उसको आगे निभाते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि ऊना जिला जो हमारा पंजाब से लगता है और हमारा एक बहुत ही बढ़ावा दूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक जो हमारे शक्तिपीठ है, हमारे माँ चिंतपूर्णी जी का मंदिर है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ आने वाले सभी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको हम सबसे अच्छी सुविधाएं दे सकें, उनको एक जो हमारा एक ऊना है उसको एक रिलीजियस टूरिज्म की एक डेस्टिनेशन हम बना सकें और उसको प्रमोट करें। हमारे यहाँ पे जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे डेवलपमेंट काम है, उनको हम बढ़ावा दे सकें और जल्दी सारी अप्रूवल हो और हमारे यहाँ जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको हम प्रमोट कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे यूथ को जो है नौकरी मिले, उनको अच्छा एक रोज़गार मिले। मेरी कोशिश प्राथमिकता रहती है कि मैं अपने यूथ को नशे से दूर करना चाहता हूँ, और उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा कि मैं अपने यूथ को फिटनेस की ओर लेकर जाऊं, उनमें एक ना ऐसी एक जो हमारे खेल कूद के प्रति, हमारे आर्ट्स के प्रति, कल्चर के प्रति, क्राफ्ट्स के प्रति उनकी मैं जो रुचि है उसको बढ़ा सकूं। मैं कोशिश यही करूंगा कि हमारा जो यूथ है उनको हमारे जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो JEE होता है चाहे UPSC है, मैं कोशिश यही करूंगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट कर सकें, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको इस तरह से हम अपने यूथ को दिशा दें, जो हमारा इस टाइम यूथ दिशाहीन है उसको हम अच्छी दिशा दें, आगे लेकर जाएं, और उनको स्पोर्ट्स में और अपने क्राफ्ट्स, कल्चर इन सब में हम प्रमोट करें, ताकि वो हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का, हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे लिए मेडल्स लाएं, और जैसे कि एग्ज़ाम्स हैं, UPSC है, IIT है, इनको क्लियर कर सकें, जिसके लिए मैं खुद आने वाले समय में कई इनिशिएटिव्स हैं जो मैं लेना चाहूँगा। तो मेरा बस यही है, मैं ऊना वासियों का सभी का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मेरे मीडिया बंदियों का कि आपने मुझे यहाँ पर जो है आप सब लोग आए, और मेरी सबसे अपील है कि जो मैं यहाँ पे जिलाधीश बन के नहीं, एक सेवक बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी समय, किसी भी टाइम 24 घंटे मुझे मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है कि वो मुझे मेरी नॉलेज में आनी चाहिए तो उसे प्लीज मुझे बताएं, और मैं एक बेटे की तरह सबकी, अपने जो यहाँ ऊना वासियों की सेवा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सबको मैं जो भी हमारे यहाँ पे ऊना में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो बाकी नशे की प्रॉब्लम्स हो, उन सबसे मैं निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।